गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे आप स्कूटी को हैंडल करें। एकदम लर्नर के लिए मैं कह रही हूँ कि स्कूटी कैसे हैंडल किया जाता है और फर्स्ट टाइम कैसे चलाया भी जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे आप इसको हैंडल करें, एकदम फर्स्ट टाइम से दिखा रही हूँ। देखिए, तो सबसे पहले ये गाड़ी क्या होता है, ये हाफ स्टैंड में रहता है। तो आप लोग जब पहले इसको टच करेंगे या फिर इसको लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बहुत भारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसको स्टैंड से उठाना है और खुद को थोड़ा सा इस तरह से बैठना है। बैठ के थोड़ा सा आप कभी देखेंगे कि इस साइड में आपको पैर ठीक से आ रहा है कि नहीं, इस साइड में आ रहा है कि नहीं। इसको लेके मतलब आपको फील करना है कि इसका वेट कितना है, आपको फील करना है कि नहीं, मैं इसको, ये ज़्यादा वेट नहीं है, मैं इसको चला पाऊँगी इस तरह से। और इसको और भी एक काम करना है कि आपको थोड़ा सा इसको लेके आगे की ओर जाना है, जितना भी आप जा पाए, फिर आपको पीछे जाना है, फिर आपको ट्राई करना है कि मैं आपको फुल स्टैंड कर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब आप पहले ठीक ठाक कर लीजिए। और फुल स्टैंड में क्या करना है, देखिए, इससे अगर आपको नीचे उतारना है तो इसको सामने की ओर ढकेलेंगे तो ये निकल जाएगा। और क्या करना है, देखिए, इधर दिखा देता बेटा, इसको आपको इस तरह से प्रेस करना है। कभी भी इसको लेफ्ट पैर से प्रेस मत कीजिएगा, तो इसको राइट लेग से आपको प्रेस करना है। और इसको देखिए यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे उठाना है, बस और कुछ नहीं। देखिए, ये आराम से उठ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग, जो आपको लर्नर के लिए मैं कह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि ये लर्नर के लिए है, सबके लिए नहीं है, जिसको पता है उनके लिए नहीं है। तो इग्निशन ऑन कीजिए और पहले में क्या करना है, दोनों साइड में पैर रखिए और इसको धीरे धीरे चलाना है। ब्रेक से हाथ मत निकालिए और ये हमेशा मतलब आपका वो होना चाहिए, मतलब हैबिट ही होना चाहिए कि इस तरह से पकड़े कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप ब्रेक भी लगा सकते हैं। और लेफ्ट में लगा लीजिए, लेफ्ट में आपको आदत होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड का जो ब्रेक होता है उसमें आपको गाड़ी बहुत झटका लगता है, इसलिए हमेशा लेफ्ट में ही लगाइएगा। तो देखिए इस तरह से, तो इसको हमको पकड़ के रखना है और फिर हमें इसे चलाना है। तो देखिए, धीरे धीरे इसको रिलीज़ करना है और इसको धीरे धीरे देना है। तो बहुत ही कम जगह, देखिए, ये तो मेरा जो मायके है आपको पता ही है, तो यहाँ मायके में मेरा जो गैरेज है, इसमें जो जितना भी जगह है, इसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले तो आप बहुत दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं बहुत धीरे धीरे इग्निशन मेरा ऑन कर ली हूँ, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए हाई, मतलब ये इग्निशन ऑन हो गया। अभी सिर्फ एक्सेलेटर दूंगी और ब्रेक को देखिए इस तरह से पकड़ी हुई हूँ। अभी मैं धीरे धीरे इसको छोड़ूंगी और इसको धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, देखिए आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको जाना है। पहले मैं अपनी बेटी से फोटोग्राफी करवा रही हूँ, क्योंकि अकेले से हो नहीं सकता है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे, कभी भी आपको लगे कि नहीं मेरा बैलेंस आ नहीं रहा है तो आप ब्रेक कर सकते हैं और फिर ब्रेक को धीरे धीरे छोड़िए और इस तरह से जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लिए। जब आपको लगेगा कि नहीं मेरा तो बैलेंस अभी हो गया है, कुछ दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 दिन इस तरह से बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद ही आप पैर को उठा पाएंगे, नहीं तो आप उठा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं ठीक है, अभी तो मैं कर पाऊँगी, तब आपको क्या करना है, ब्रेक को जैसे थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करना है और इसको देना है। और थोड़ा बहुत जाते जाते जब आपको लगेगा कि नहीं मैं जा पा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पैर को उठा लीजिए। ये देखिए, बहुत ही धीरे, इस तरह। और आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा जाने में अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ गई कि नहीं मुझे रोकना है, तो आपको तुरंत ब्रेक करना है और राइट साइड का जो पैर है वो पहले आपको नीचे उतार देना है। ठीक है, आप लेफ्ट का भी कर सकते हैं, आपको जिस जो भी पैर में आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए, मैं दिखा रही हूँ, जैसे कि मैं अभी जा रही हूँ,
राइट हो लेफ्ट हो, आप पैर को नीचे उतार देंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं फिर भी आपका गाड़ी आगे चल रहा है तो आप दोनों तरफ से ब्रेक कर लीजिए तो गाड़ी तुरंत रुक जाएगा, ठीक है। तो इतना ही, तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको ठीक से हो जाएगा। और मिरर को आपको इस तरह से सेट करना है कि पीछे की ओर आपको दिख जाए, ठीक है, पीछे की ओर आपको दिख जाए और दोनों साइड ही आपको पीछे देखना चाहिए। उस तरह से आप मिरर को सेट कीजिएगा। और एक चीज़ मैं दिखा दे रही हूँ, वो है कि इसमें आपको राइट साइड अगर लेंगे तो ये राइट साइड जाएगी, सॉरी इग्निशन ऑफ है, इस तरह से। और अगर आप इसको, सॉरी मैंने राइट बोला ना, गलत बोल दिया, तो ये अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट जाएगा और अगर राइट मुड़ेंगे आप इसको हैंडल को तो ये राइट जाएगी। पीछे की ओर भी सेम ही होगा, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे लेफ्ट जाना है तो आपको इसको इस तरह से देखिए, ये देखिए कहाँ जा रहा है। फिर आप देखिए पहले इसको सीधा कर लेते और फिर इस तरफ अगर आप करेंगे, मतलब ये जो हैंडल है जिस तरफ आप करेंगे गाड़ी उसी साइड पीछे भी जाएगी। देखिए मैंने इस तरफ कर लिया ना, ये देखिए लेफ्ट साइड कर लिया तो गाड़ी देखिए अभी कहाँ जा रहा है, देखिए लेफ्ट में ही जा रहा है। ओके, फिर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, रुकिए। फिर देखिए अगर मैं इसको राइट साइड घुमा दूँगी तो गाड़ी मेरा पीछे भी राइट ही जाएगा, देखिए। सो फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए एंड टू गेट माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।